दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और आपके लिए लाया हूं अजब गजब प्रश्न उत्तर। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएंगे। प्लीज अगर पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब और जो है शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, तो बताता हूं आपको। देखिए, अपने शरीर से लंबी जीव निकालने वाले जीव का क्या नाम है? ऐसा भी जीव हमारे, मतलब क्या कह सकते हैं, हमारे देश में या विश्व में पाया जाता है जो अपने शरीर से भी लंबी जीव निकाल सकता है, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है भाई गिरगिट। गिरगिट जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं करकेटा, ठीक है? तो गिरगिट है वो। वह पौधा जिससे सोना प्राप्त होता है, यानी ये धातु जो ये भी प्राप्त होती है, तो उसका नाम है भाई, उस पौधे का नाम, दुनिया में एकमात्र पौधा पाया जाता है जिससे सोना प्राप्त होता है, उसका नाम है भाई तेलियाकंद। तेलियाकंद। अब ये है तीसरा हमारा क्वेश्चन। वह जीव जिसकी आंखें घुटनों पर होती हैं, यानी ऐसा जीव भी है भाई जिसकी आंखें घुटनों पर होती हैं, तो वह है हमारा टिड्डा। टिड्डा, देखिए टिड्डे की कई प्रजातियां होती हैं, तो शायद कोई प्रजाति ऐसी है जिसमें, मतलब जो आंखें हैं वो घुटनों पर पाई जाती हैं, सभी में नहीं। मनुष्य में वह अंग जो दो माह में बदलता रहता है, यानी चौथा क्वेश्चन है हमारा भाई, मनुष्य में वह अंग जो दो महीने में बदलता रहता है, तो वो है हमारी ये भौं। इंग्लिश में आईब्रो बोलते हैं ये भौं, ठीक है? तो ये है मतलब जो दो महीना में मतलब बदलता रहता है, ये पार्ट है हमारा। अब देखो, वह पक्षी कौन सा है भाई जो साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देने वाला जो पक्षी है, उसका नाम है भाई सारस। सारस। और सारस जो पक्षी है भाई, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है ये। अब पांच, ये क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है। वह पक्षी जिसके दांत भी पाए जाते थे, वर्तमान में नहीं है लेकिन पाए जाते थे, कभी था वो, उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ये पक्षी था भाई, आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी। और एक बात और ध्यान रखना, आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी को ही आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी को भी सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी अगर पूछता है तो आर्कियोप्टेरिक्स ही पक्षी है। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का भाई दूसरा नाम है सुपर हाईवे। सुपर हाईवे इंटरनेट का भाई दूसरा नाम है, अगर हिंदी नाम इसकी बात करें तो इसका हिंदी नाम है भूजाल, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, वह देश जहां जींस पहनना अपराध है, यानी वह देश जहां जींस पहनना अपराध है, तो भाई वो है हमारा उत्तरी कोरिया। वहां का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसने वहां प्रतिबंध लगा रखा है भाई। अब देखिए, तुम्हारे दोस्त के दोस्त का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का जवाब भाई वही होगा जो पूछ रहा है आपसे, तो उसी का नाम है बस, जो आपसे पूछे बस उसी का नाम बता दो। जो पूछे वही है भाई, जो पूछ रहा है वही है, जो उसका नाम है वही है। अब देखिए, वह अधातु जिसमें ऊष्मा चालन का गुण पाया जाता, मात्र एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें ऊष्मा चालन का गुण पाया जाता है, तो वो है भाई हमारा ग्रेफाइट। आपने देखा हो ग्रेफाइट, ये हमारी जो पेंसिलें होती हैं लकड़ी वाली, पेस्ट वाली, तो उसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसी का नाम ग्रेफाइट है। तो इसमें ऊष्मा चालन अर्थात विद्युत चालन का गुण इसमें पाया जाता है, एकमात्र यह अधातु है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे ठंडा नगर, तो दुनिया का जो सबसे ठंडा नगर है उसका नाम है बर्खोयांस्क।
और ये भाई साइबेरिया का है, साइबेरिया, और ये रूस में पाया जाता है भाई, दुनिया का सबसे ठंडा नगर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।